वो इन्होंने वहाँ पे उनसे कासिम भाई से एक सवाल किया था, उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया था। तो वो किसी भी ड्रीम के जिक्र कर रहे थे कि वो फात भाई हैं जो कराची वाले ना, तो वो बैठे हुए थे हम सारा कुछ, तो आपने उनको कहा था कि जो काबा है वही पाकिस्तान में आ जाएगा, मतलब इस तरह की आपने बात की है। तो यह उनका ड्रीम है, तो वो मुझे उस ड्रीम का पता नहीं है वो ड्रीम है कौन सा, लेकिन उसका जिक्र मैंने बहुत सुना करते रहते हैं। क्यों फतवा लगवाने लगे हैं फिर कभी इंशाल्लाह फिर कभी इंशाल्लाह नहीं नहीं आप ऐसे ही बताना तो पड़ेगा इतना आज मौका मिला तो फिर तो सही बता देगा, इसको बताओगा ड्रीम का तो आपको पता छुपाना भी नहीं चाहिए अल्लाह की तरफ से जो ड्रीम आया वो। लेकिन बाज़ूकात ऐसी चीज़ें होती है ना कि जिनसे फितना क्रिएट होने का चांस हो, तो वो वैसे तो देखे ना गुंबद और ड्रीम्स तो वैसे ड्रीम्स हैं देखे ना, गुंबद और मेहराब इस्लाम में बनाना मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है। तो मस्जिद नबी के ऊपर गुंबद बना हुआ था तो वो इस हिकमत के तहत नहीं तोड़ा गया कि लोगों में फितना फैलेगा। तो ऐसी बात है कि अब ज़रूरी तो नहीं है एक अवाम उन्नास के सामने आम पब्लिक के सामने आप ऐसी बात करते हैं जो हर किसी के समझ में ना आए, तो फिर तो ये सेशन ही आपने से रखा था कि वो चीज़ें बताएं जो तो आप पूछें ना ऐसी बातें जो मैं बता सकता हूँ चलें फिर इंशाल्लाह चलें, अगर नहीं है बताने वाले तो बेहतर समझते हैं जैसे जैसे अल्लाह ताला को ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे समझे आप कैमरा बंद है आप बता दें चलें। वो ऐसे होता है कि कासिम भाई ख्वाब में देखते हैं कि उनके घर के करीब ही ना एक जगह पे, ज़्यादा दूर नहीं बस उनके घर से कुछ 100 मीटर पे, 100 मीटर पे नहीं कुछ 100 मीटर होगा रफली, वो देखते हैं कि खाना काबा अल्लाह ताला ने उधर शिफ्ट कर दिया। रियल में वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई है, कमर्शियल एरिया टाइप है, लेकिन कासिम भाई ड्रीम में ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने खाना काबा वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो वो सारी दुनिया के मुसलमान हैरान होते हैं कि ये क्या हुआ, खाना काबा अल्लाह ताला ने उधर शिफ्ट कर दिया। तो लेकिन ये है कि कोई भी उधर आके ना मतलब उधर खाना काबा इधर आके लाहौर में आके नहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो अल्लाह ताला फिर मुसलमानों की नमाज वग़ैरह ही कबूल करने से इनकार कर देता है। तो आखिरकार इस तरह जब होता है तो फिर फाइनली इमाम काबा जो है ना उन्होंने जो देखा है शेख अब्दुर्रहमान अस्तुदयास को देखा है, वो फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने तो इबादत कबूल करने से इनकार कर दिया है। तो वो फिर आते हैं इधर लाहौर में जो खाना काबा होता है वहाँ वो नमाज़ पढ़ाते हैं या जो भी मामला इस तरह से करते हैं, या शायद ये वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शायद फिर नमाज़ भी कासिम भाई को पढ़ानी होती है, इस तरह का मामला है। लेकिन ये होता है कि वो शेख अब्दुर्रहमान अस्तुदयास भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अल्लाह ने अब खाना काबा पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया है, तो फिर अल्लाह ताला दोबारा से उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, नमाज वगैरह कबूल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मैं बता इसलिए नहीं रहा था ऑन कैमरा कि अब लोग ये समझेंगे कि भाई खाना काबा इधर आ जाएगा या इधर मुड़ के नमाज़ पढ़नी है, ऐसा नहीं है। खाना काबा ड्रीम में सिंबॉलिक होता है और इससे मुराद खिलाफत है अल्लाह की, अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की तरफ से दीन का मरकज़, वो जो है अब वो लाहौर होगा इंशाल्लाह। तो इसलिए वरना लोग मतलब वो समझेंगे कि नऊज़ु बिल्लाह अब इस तरफ पढ़ के नमाज, ऐसा नहीं है, इस तरफ मुड़ के नमाज नहीं पढ़नी, नमाज उसी तरफ मुड़ के पढ़नी है। लेकिन मरकज़ खाना काबा अगर आप ताबीर रुया में भी देखें ना तो आपको इस तरह की ताबीर मिलेगी, बादशाहत, हुकूमत, खिलाफत, इससे मुराद ये होती है। तो यानी कि वो अरबों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब अल्लाह ताला ने मरकज़ को मरकज़ लाहौर में बना लिया। और ये शेख अब्दुर्रहमान अस्तुदयास से मुराद जो मजहबी लीडरशिप है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मोहम्मद कासिम इमाम मेहदी, और उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने अब मरकज़ पाकिस्तान को बना दिया है, लाहौर को बना दिया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये वो ड्रीम था कि जो मेरा ख्याल है कि पब्लिक में बताना। इसके अलावा और भी बहुत ड्रीम होंगे, आपको तो पता होंगे, आपने बहुत टाइम गुजारा कासिम भाई के साथ।
अब डिपेंड करता है, अगर आप मुझसे पूछें कि वो कौन सा ड्रीम है कि जो आप बिल्कुल नहीं बताना चाहेंगे पब्लिक में, तो वो यही वाला होगा। तो बाकी होंगे बहुत, अब वो डिपेंड करता है आपका कोई सवाल जो उन्होंने ना आपको लगा हो कि उसमें और कोई डिटेल है तो आप पूछ सकते हैं।